सास को मेरे ख्याल में काली मिर्च वाली बोल दिया था, बनानी वाइट थी, अब साथ अपना जादू दिखाएंगे, काली को चिट्टी करेंगे। जब इसका ऑयल जो एक्स्ट्रा है वो निकालेंगे। तो जी हम किचन में आ गए हैं और यहाँ पे साथ जो है वो कटे का जो गोश्त होता है बीफ, उसको हाफ पहले इन्होंने करके रखा होता है, तो अभी वही निकाल रहे हैं। अभी यहाँ से जो है वो कढ़ाई बनाना शुरू करेंगे। तो जी गोश्त जो है वो कढ़ाई में ऐड कर लिए, तो अभी आग जलाएंगे और यहाँ पे जो है वो काम शुरू होगा। इन्होंने आधा पहले बना के रखा होता है इसलिए ये कटी हुई हरी मिर्च आ गई, ये अदरक, ये लाल मिर्च आ गई, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सूखा धनिया, ज़ीरा, ये मसाले वगैरह डाल दिए और अब ये कुटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे। अब ये बारी आ गई भाई नींबू की। मसाले वगैरह डाल दिए और अभी काम शुरू होगा। सर सर जी ब्रॉयलर से ज्यादा टाइम लगता है इसे या वही उतना ही? ब्रायलर से मतलब ब्रायलर मुर्गी की कढ़ाई बनाओ वाइट या ये? अच्छा मतलब इसको ज़्यादा टाइम लगता है ना। ये देखिए जी लुक तो इसकी बड़ी अच्छी आ रही है अभी। तो जी ये काली मिर्च डाल दी है, ये पहले नहीं डाली थी काली, इस लाल काली हरी सारी मिर्चें डाल दी, पता नहीं क्या बनेगा। ये नमक हसबे जायका, अच्छा ये अच्छा लोगों को ब्लड प्रेशर से मरीज बनाओ। हैं? नहीं नहीं हो जाएगी, साथ साथ है यार, थोड़ा कलर आएगा। हाँ वो मसला नहीं है, तो जी गलती से जो है वो सास को मेरे ख्याल में काली मिर्च वाली बोल दिया था, बनानी वाइट थी, अब साथ अपना जादू दिखाएंगे, काली को चिट्टी करेंगे। हाँ ये अभी दूर डाल रहे हैं इसमें। ऐसा ही नींबू दोबारा डाल दें, निकल गई है ना। सही सही आ गई जी क्रीम बची खुची। लो जी ये तकरीबन तैयार हो गई है,
ये आ गया धनिया, जब इसका ऑयल जो एक्स्ट्रा है वो निकालेंगे। तो जी कढ़ाई जो है हमारी बीफ कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, ठीक है, बन के तैयार हो गई है। पहले हम देखते हैं, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त गली हुई है, ठीक है। इसमें भाई अदरक, हरी मिर्च, ये मेरे ख्याल में सुर्ख मिर्च है, ठीक है, और ये सारा कुछ बहुत वाफर मिकदार में डालो है। और ये भी आपको दिखा दूं कि गली बड़ी ज़बरदस्त है, ये देखिए। और रोटी के साथ भी इसको चेक करते हैं।